geometrical representation of BPSK signal, BPSK binary phase shift keying. इसकी representation कैसे होती है? देखिए जो BPSK signal होता है, उसमें जो information होती है, carrier information जो होगी, वो सिर्फ दो ही symbols में होती है, या तो zero के form में होगी, या one के form में होगी. तो इसमें हम दो symbols ही लेते हैं. जो BPS का सिग्नल होता है जब उसे ट्रांसमिट करते हैं तो उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे ST is equal to BT root of 2P cos 2pi FCT इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं कैसे देखिए अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय TB कर दें यानी कि ऐसे कर सकते हैं ST root of PTB root of 2 upon TB ठीक है इसके साथ मल्टीप्लाई कर इसका डिवाइड कर दिया TB को जो कि 1 बिट को रिप्रेजेंट करता है cos 2 pi FCT ठीक है बाकी इक्वेशन ऐसे ही आई है. तो आगे देखिए कि जो root of 2 upon TB cos 2 pi FCT है वो phi 1 के इक्वल है phi 1 T के इक्वल है ये क्या करता है ये orthonormal carrier signal को शो करता है. इसमें अगर हम इसमें इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें हम phi 1 की वैल्यू को पुट कर दें यानी कि इसकी वैल्यू को जो आई है इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा ST BT root of P TB phi 1 T ये इक्वेशन आती है. अब जो हमारी ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन से आगे चलते हैं हम देखते हैं अपने बिट एनर्जी को बिट एनर्जी जिसे EB से डिनोट किया जाता है जो बिट एनर्जी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं पावर और बिट ड्यूरेशन यानी P और TB की टर्म में. तो इस वजह से अगर इसे पावर और TB की टर्म में इसे एक्सप्रेस किया जाता है तो EB इज इक्वल टू क्या होगा PTB इसके इक्वल होगा. अब यानी कि यहाँ पे हम PTB पुट कर सकते हैं ऊपर वाली PTB की जगह यानी कि PTB की जगह EB पुट कर सकते हैं. यहाँ पे हमने इसको EB पुट कर दिया क्या आएगा ST plus minus root of EB phi 1 T ये इक्वेशन आती है क्योंकि ये जो BT होता है ना हमारा जो हमारे इक्वेशन में BT चलता आ रहा है ये सिंपली प्लस माइनस 1 होता है BT जो होगा वो प्लस माइनस 1 होता है और उसी वजह से इस इक्वेशंस में से क्या कहते हैं BT को वो 1 के इक्वल हो गया तो उसे निकाल दिया जाएगा वो 1 के इक्वल उसे पुट कर देते हैं. बाकी PTB की जगह EB जो एनर्जी बिट थी वो आ गई. अब देखिए कि जो हमारी सिग्नल एक्सिस होती है phi 1 T की वो क्या रिप्रेजेंट करती है सिर्फ दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है दो पॉइंट्स को कैसे यानी कि प्लस माइनस रूट ऑफ ईबी यानी या तो वो प्लस में होगी या माइनस में होगी जैसे कि इक्वेशन में शो किया गया है. यानी अगर हम एक एक्सिस लेते हैं और उसमें अगर हम अपना देखते हैं तो या तो प्लस रूट ऑफ ईबी होगी या माइनस रूट ऑफ ईबी होगी. अब देखिए ये जो प्लस ईबी है ये जो एक्सिस है phi 1 t की एक्सिस है जैसे phi 1 t की एक्सिस है तो इसमें जो प्लस EB है ये रिप्रेजेंट करेगा सिंबल 1 को जबकि जो नेगेटिव रूट ऑफ EB है वो रिप्रेजेंट करेगा सिंबल 0 को और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा ये वाला सेपरेशन इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में उसे आइसोलेशन बोलेंगे यानी 1 और 0 के बीच में BPSK के सिग्नल में जो सेपरेशन होता है उसे आइसोलेशन बोलेंगे और ये जो सेपरेशन होगा उसे डिस्टेंस यानी d से डिनोट किया जाता है स्मॉल d से इसे डिनोट किया जाता है. देखिए इसमें क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वो टू पॉइंट्स में है तो इसको हम d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस रूट ऑफ EB माइनस 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 रूट ऑफ ईबी यानी प्लस माइनस दिस माइनस दिस ठीक है ना पहले ये फिर माइनस रूट ऑफ ईबी. अब हम इसको देखें तो डी इज इक्वल टू टू रूट ईबी आएगा यानी कि ये जो डिस्टेंस है
वो शो करता है 2 रूट ऑफ ई बी को. अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, जो आइसोलेशन होती है सिंबल्स में बीपीएस के सिग्नल में, ये वाली ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है तो आइसोलेशन जो होगी वो भी ज्यादा होगी. अगर आइसोलेशन ज्यादा होगी तो जो हमारी एरर रिड्यूस की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी यानी कि इंक्रीज हो जाएगी, मतलब एरर रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि इस तरह से डिनोट की जाती है, सिर्फ एक ही एक्सिस पे ये आती है और ये प्लस रूट ऑफ ई बी माइनस रूट ऑफ ई बी से शो की जाती है, जो कि एनर्जी बिट होती है. यही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बीपीएस के सिग्नल की. थैंक यू. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं.